अपने विचारों को लेकर हमेशा मुखर रहने वाले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फिर ऐसी बात कही है जिसे लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों को मिर्च लग सकती है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ये कहा है कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, अल्लाह का अजाब उन पर काबिज होगा। आरिफ मोहम्मद खान के मुताबिक अल्लाह केवल एक जगह हथियार उठाने की इजाजत देता है जब किसी पर जुल्म हो रहा हो। कश्मीरी पंडितों पर बोलते हुए उन्होंने खुले मंच से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया तो क्या उन पर अल्लाह का कहर नहीं बरपेगा। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश में हजारों साल विदेशी हुकूमत रही फिर भी इस देश की संस्कृति पर कभी कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह अलग अलग धर्म और लोगों को बनाए रखना चाहता है तो तुम लोग अल्लाह की मर्जी में दखल क्यों दे रहे हो। आरिफ मोहम्मद खान ने पाकिस्तान की दुर्दशा पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने दबे लफ्जों में ही कहा कि पाकिस्तान भुखमरी की हालत में है। उन्होंने कहा कि माना हमारा पड़ोसी मुल्क हमारी मर्जी के खिलाफ बना लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टूटे। आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर दोहराया कि वंदे मातरम में कोई भी विवादित शब्द नहीं है। उन्होंने इसका तर्जुमा कर लोगों से इस पर राय भी मांगी थी। आरिफ मोहम्मद खान ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया, यानी कि वो चाहते हैं कि सभी पढ़ाई लिखाई करें, काबिल बने। ये भी सलाह दी कि कुरान को समझ कर पढ़ें, खुद से रोज सवाल किया करें कि आज हमने समाज को क्या दिया। वो बोले कि लोगों की आलोचना से मुझे बारीकी से कुरान पढ़वा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति अधिकारों पर कम, दायित्वों पर ज्यादा जोर देती है। आरिफ मोहम्मद खान ने अलग अलग संप्रदायों की साझा संस्कृति के उदाहरण दिए। जाहिर सी बात है, आरिफ मोहम्मद खान जो खुलकर कश्मीरी पंडितों के दर्द पर अपने आंसू छलका रहे हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को साझा किया और कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को चेतावनियां भी दी। इससे ये साफ है कि देश में जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उन्हें मिर्च जरूर लगेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।